गलतियों को सुधारो। जरा मौसम तो देखिए, पिकनिक के लिए बहुत बढ़िया है। माँ, अलीशा कहाँ है? यहाँ हो तुम। जल्दी करो, चलते हैं। बाकी सब लोग हमें जंगल के रास्ते पर मिलने वाले हैं। आप ही जाइए राजकुमारी, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। क्या, क्यों? तुमने वादा किया था। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे माफ करना। सच कहूँ तो मेरे पिताजी बीमार हैं, तो। ओह, तुम चाहो तो हम पिकनिक कैंसिल कर सकते हैं। नहीं नहीं राजकुमारी, नहीं। आप जाइए राजकुमारी, मजे करना। तुम पक्का नहीं आ रही? पक्का। बाय, अपना ख्याल रखना। ओ मेरी बच्ची, पिकनिक कैसी रही तुम्हारी? ओह, बहुत मजा आया। अलीशा की बहुत याद आई। क्या वो वापस आई? नहीं, उसके पिता बीमार है ना? वो थे। क्या मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। अलीशा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया कैसेंड्रा। पिताजी अब ठीक हैं। आज तुमने क्या क्या किया मुझे सब बताओ, अगर तुम थकी नहीं हो तो, वरना रहने दो। अरे नहीं, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है, चलो मेरे साथ। ओह, अरे मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे सच में माफ कर देना। कोई बात नहीं अलीशा, वो बस एक कुकी थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अब मुझे माफ करना, अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट अलीशा। अलीशा, क्या हुआ? मुझे नहीं पता। शुक्रिया अलीशा, तुमसे अच्छा गुलदस्ता कोई नहीं बनाता। सुनो, पिताजी युवाओं के लिए एक डांस प्रतियोगिता रखना चाहते हैं। तुम मेरी टीम में पक्का रहोगी ना? बताओ। मुझे नाचना नहीं आता। मैंने तुम्हें नाचते हुए देखा है, तुमसे अच्छा तो कोई नहीं नाच सकता। तुम्हें ट्रायल के लिए दोपहर को आना पड़ेगा। इससे तुम्हें निराशा ही मिलेगी, मैं किसी काम की नहीं हूँ। अलीशा रुको, क्या बात है? मुझे बताओ, हम दोस्त हैं, कुछ तो कहो। कहने को अब कुछ भी नहीं है राजकुमारी। तुम जानती हो, तुम मुझे कैसेंड्रा कह सकती हो, राजकुमारी बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा यकीन करो राजकुमारी, अब मुझे अब चलना चाहिए, शुक्रिया। क्या बात है बेटा? अलीशा भी ना, पता नहीं उसे क्या हुआ है, कभी कभी वो इतनी चुलबुली रहती है और खुश भी, और कभी कभी इतनी खामोश और अलग हो जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता है। माँ, इस बारे में तुमने उससे बात की है क्या? वो कुछ नहीं बताती। इसे इस तरह से करते हैं राजकुमारी, आपकी बाह और आपका अंगूठा, और आपको इस तरह घूमना है। फिर से कोशिश करती हूँ। तुम्हें तो अच्छे से पता है, तुम स्टेज पर क्यों नहीं आ रही हो? मुझे माफ करना, सच में माफ करना। अलीशा, अलीशा, आपको अलीशा को नाचते हुए देखना चाहिए था। मुझे यकीन है उससे बढ़िया नाचने वाला कोई भी नहीं होगा, फिर भी वो टीम में नहीं आना चाहती। तो फिर उसे किसी और तरीके से मनाओ। राजकुमारी, राजकुमारी। ओह, तुम चल पाओगी?
बहुत ज्यादा दर्द है। आउच! आज कैसे नाच पाऊंगी? नियम बिल्कुल साफ हैं। हर टीम में 10 डांसर्स। मेरी वजह से टीम हार जाएगी। सब मेरी वजह से। यह आपकी गलती नहीं है कैसेंड्रा और राजकुमारी। तुम्हें मेरी जगह लेनी पड़ेगी। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें अच्छे से पता है, अगर तुम आओगी कम से कम हमारी टीम को मौका तो मिलेगा, अगर नहीं तो स्टेज में जाने से पहले ही हमें बेदखल किया जाएगा। अलीशा, मेरी खातिर कर लो प्लीज। राजकुमारी की टीम जीत गई और अलीशा को बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला। अलीशा, तुमने चोट लगने का नाटक किया है ना बेटा? उसे स्टेज पर लाने का और कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता है, उसे नाचने का बड़ा मन था और वो एक अच्छी डांसर है। तुम एक सच्ची दोस्त हो। लेकिन उसका बर्ताव कुछ समझ में। मेरे ख्याल से समय आ गया है तुम्हें पता करना होगा, तुम उसके घर क्यों नहीं चली जाती। चली जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, जाओ कहीं और चली जाओ। पिताजी प्लीज, ये सूप तो पी लीजिए। सूप पी लूंगा तो उससे क्या होने वाला है, मेरी टांग ठीक हो जाएगी। इसे ले जाओ और तुम भी कहीं चली जाओ, तुम्हारी तरह मैं यूं ही बेकार नहीं बैठा हूँ। पिताजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आराम कर लीजिए। मैं ठीक से चल नहीं सकता तो तुम्हें लगता है मैं निकम्मा हूँ? नहीं तो। तुमने मेरी जिंदगी को नर्क से बदतर बनाकर रखा है, चली जाओ, काश तुम पैदा ही नहीं होती। पिताजी, कैसेंड्रा मेरी बच्ची, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अलीशा के पिता उससे बहुत बुरी तरह पेश आते हैं। कोई पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है माँ? माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं हमेशा, ये आदमी नहीं करता। चलो पता करते हैं। अपने आंसू पोंछ लो, अलीशा आ गई। गुड मॉर्निंग राजकुमारी, आपके पसंदीदा फूल। कैसी हो तुम? लगता है कल रात तुम ठीक से सोई नहीं। नहीं मैं ठीक हूँ। अवार्ड मिलने पर तुम्हारे पिता तुमसे बहुत खुश हुए होंगे ना? ओह, वो तो बहुत खुश थे। उन्होंने तो मुझे एक नई ड्रेस भी खरीद के दी। मुझे अब चलना चाहिए। मैं चलती हूँ राजकुमारी। वो झूठ बोल रही है। अगर इसी तरह जाना था तो फिर मेरे लिए फूल क्यों लेकर आती है? असल में अलीशा तुमसे मदद मांग रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उससे नफरत करते हैं। लेकिन बेटा, हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार करे। तुम्हारी दोस्ती से उसे ऐसा ही महसूस होता है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। वो तुम्हारे पास आती है क्योंकि वो जानती है उसे तुम्हारी जरूरत है, और चली जाती है क्योंकि वो तुम्हें निराश नहीं करना चाहती। फिर मैं क्या करूं? तुम जैसी हो वैसे ही उसके साथ बनी रहो, शायद वो खुलकर बोलेगी। राजकुमारी कैसेंड्रा अलीशा के प्रति एक अच्छी दोस्त बनी रही, लेकिन अलीशा में कोई बदलाव नहीं आया। तो कैसेंड्रा ने सीधे सीधे अलीशा से बात करने का फैसला किया। चली जाओ अलीशा, मेरी जिंदगी को और बदतर मत बनाओ। अलीशा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज पिताजी का मूड ठीक नहीं है। मुझसे कुछ मत छुपाओ अलीशा, कम से कम आज तो नहीं, प्लीज। आप जाइए यहाँ से।
मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे अपने पिता मुझसे नफरत करते हैं, तो कोई और मुझसे प्यार क्यों करेगा भला? तुम्हारे पिता तुमसे नफरत नहीं करते, वो दर्द में हैं। मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। कैसेंड्रा ने बताया तुम बहुत ही अच्छे निशानेबाज हो। साफ साफ दिखता है ये। तुम्हारे पैर की वजह से तुम हमारी सेना में शायद शामिल नहीं हो सकते, लेकिन हमारी घुड़सवार सेना में शामिल हो सकते हो। हमारी सेना को आप जैसों की जरूरत है। अगर तुम हमारे साथ जुड़ना चाहो तो अच्छा होगा। ये मेरा सौभाग्य होगा रानी साहिबा। तुम्हारी बेटी को लगता है तुम उससे नफरत करते हो। तुम्हें नहीं लगता इसे सफाई देने की जरूरत है? देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। जब मैं जवान था, मैं एक सिपाही बनना चाहता था महाराज की सेना में। मैंने खूब मेहनत की और फिर तुम पैदा हुई। मैं एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप में था और कप्तान बनने ही वाला था। जब मुझे तुम्हारे पैदा होने की खुशखबरी मिली तो मैं इतना खुश हुआ कि मैंने एक खतरनाक पहाड़ का रास्ता चुना और मैं नीचे गिर गया। मेरी टांग और मेरी पीठ टूट गई थी। मुझे ठीक होने में 1 साल लग गया, लेकिन मैं सेना में भर्ती नहीं हो सका। मैं खुद को निकम्मा समझने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आता था और वो सारा गुस्सा मैं तुम पर निकालता था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अलीशा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। क्या? मैं खुद को निकम्मा समझता था, लेकिन आज रानी साहिबा ने मेरा सपना, मेरा गौरव मुझे लौटाया है। आपने मेरे सपने को पूरा किया है। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं थी अर्नाल्ड। बजाय खुद पर तरस खाने और निकम्मा महसूस करने के, तुमने अपनी गलती को मानकर किसी से मदद मांगने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे डर लगता था कि मेरी अपनी ही बेटी मुझे निकम्मा समझ बैठेगी। इसलिए तुम इसे निकम्मा होने का ताना मारने लगे? बहुत गलत है ये, और जिंदगी में हारना गलत बात नहीं है। हम सब गलतियां करते हैं। बिना तकलीफ और मेहनत से किसी के सपने सच नहीं होते हैं। तो तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आई? तुमने हार क्यों मान ली? और तुम अलीशा, मेरी बेटी ने तुमसे पूछा कितनी बार, तुमने क्यों उसे कुछ नहीं बताया? अगर तुम दोनों अपनी अपनी समस्याएं एक दूसरे से बांटते तो ये सब कुछ कभी भी नहीं होता। समझ गए? गलत होने में कोई शर्म नहीं, गलती को छुपाए रखना सबसे बड़ी शर्म की बात है। मैं जानती हूँ आपसे झूठ बोलकर, आपसे मदद ना मांगकर मैंने आपको चोट पहुँचाई है राजकुमारी। मुझे माफ करना राजकुमारी, मेरा मतलब कैसेंड्रा, माफ कर दो मुझे। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो खुद को कोस के निकम्मा महसूस करके समस्या का हल नहीं होगा, ये और भी बदतर हो जाएगा। आपको बस इतना करना है कि जो भी आपकी परवाह करता है आप उससे अपने दिल का हल बांट सकते हैं। अपनी गलती को मानो और उसे सुधारो, तभी आपको समस्या का समाधान मिलेगा। और ये आपका फर्ज है कि जो आपसे प्यार करते हैं आपको उनके लिए जीना बहुत जरूरी है।